श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय श्री स्वामी की जय श्री प्राणनाथ प्यारे की जय हक जा माह सब न्यात हक जात श्री कृष्ण कन्हैया लाल की नहीं। तो अपने दिल में अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का आसन लगाने की बात चल रही है सब गुज तुम्हारे दिल का जिन मेरा दिल की आरोशन जेता मता विचार सके सब आया दिल मोमिन तो ब्रह्मात्माओं के दिल में परम धाम की क्या क्या संपदा आती है तो वो बता रहे हैं सब गुज तुम्हारे दिल का धाम धनी के हृदय की बातें तो गो है बातें क्या है कि मुख्य बातें तो प्रेम है तो उनके हृदय का प्रेम जिससे जिन्हें मेरा दिल किया रोशन जिसने मेरे हृदय को प्रकाशित किया है जेता मच मता बीच आरस्य के परम धाम के जो भी संपत्ति है, सब इसी में इसके साथ में संलग्न होती है कृपा है प्रेम है इसी में सब कुछ समाई हुई होती है वो सब सब आया दिल मोमिन ब्रह्मात्माओं के दिल में सब उतार आते हैं जब पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को हृदय में बैठाते हैं तो, तो कया अरस दिल मोमिन हक बैठे उठे खेला तभी ब्रह्मात्मा के हृदय को परम धाम कहा है क्योंकि स्वयं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उसमें बैठते हैं उठते हैं और ब्रह्मात्माओं को आनंदित करते हैं खिलाते हैं सुख बकाह का अरसरु हैं, सिफत क्यों कहे दिल जुआएँ सुख बका, बका सुख परमधाम का अखंड सुख ब्रह्मात्माओं के लिए ब्रह्मात्माओं को जो अखंड सुख प्राप्त तो होता है कि उस विषय में सिफत क्यों कहे दिल जुआएँ ये दिल अथवा ये नश्वर जगत का दिल या इसकी इस शरीर की जीवा के द्वारा उस सुख का वर्णन नहीं हो सकता है पर दिल जो अंग है दिल के जो अंग है धनी अरस तुम्हारा सोए हृदय के तो हृदय के तो जितने भी अंग हैं वो सब हे धाम धनी वो आपका धाम ही है अब उसका कंट्रोल सब आपके हाथ में है तो ये कहना चाह रहे हैं तुम्हें देखे कहे बातें सुने लेबे तुम्हारी बानी की खुशबो इसलिए कि आपकी बातें सुनना आपको आपके दर्शन करना और आपकी बातों की सुगंध लेना तो ये सारा तो ये ब्रह्मात्मा कर सकती है तो हृदय में आप बैठे हैं तो फिर ब्रह्मात्मा को सब कुछ आप ही आप दिखते हैं ये कहना चाह रहे हैं पिए तुम्हारी सुराही का ले स्वाद फूल शराब तो आपके सुराही का आपके पात्र आप प्रेम प्रदान करते हैं तो तो उस प्रेम को पूरा 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 पात्र भर भर करके हम पीते हैं ऐसी ले मस्ती मेहबू की ज्यों उड़ जावे ख्वाब तो मुझे ऐसा लगता है कि धाम धनी के सानिध्य का ऐसा सुख लूँ ऐसी मस्ती लूँ जिससे ये सारा स्वप्न उड़ जाए मुझे स्वप्न का कुछ दिखे ही नहीं आप अके आप ही आप दिखो चारों तरफ तो इस प्रकार से वो तो अपने चाहना व्यक्त कर रहे हैं एक स्वाद दिल देखे तुमको सुने तुम्हारी बानी की मिठास तो एक बार यदि ये दिल आपको देख सके आपके दर्शन कर सके तो उसको जो स्वाद प्राप्त होता है और सुने तुम्हारी बाणी मीठा आपकी मीठी बाणी सुनने पर उसको और दूसरा स्वाद प्राप्त होता है इस तरह से एक के बाद एक ऐसे स्वाद मिलते रहते हैं ले बोए बोलो तुमसों तो आपके साथ में मैं बात कर सकूं तो उससे भी वो सुगंधी निकलती है आपके साथ में बात करने से भी वो शोभा बढ़ती है और क्यों कहूं दुल्हा विलास आपके साथ में आनंद विलास करते हैं तो उसके लिए क्या बताएं हर चीज में सुख है तो आपके साथ तो आपके सानिध्य में हर प्रकार का सुख है जीता सुख तुम्हारे अरस में सुबह हमारे दिल तो आप जहां बैठते हैं तो वो परम धाम आप दिल में बैठेंगे तो परम धाम के सारे सुख हमें प्राप्त होंगे को हमारे दिल में उतर आएंगे ऐ सुख मेरी ले वही जो दिए इन अर्स में मिले तो ये सुख ब्रह्म आत्मा मेरी आत्मा ले लेती है जो इस धाम में हृदय को ही आपने धाम बनाया है तो हृदय धाम हृदय के साथ में वो ओत बनी है मतलब उसको हृदय से ही सब कुछ दिखता है तो इस हृदय में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा बैठे ये देखता है तो उनको ये सब होता है वर्णन करे क्या होए जो लो साधन ले निश्वत। आत्मा वर्णन करती रहे उतने मात्र से तो क्या होगा जब उसको आपके संबंध का अनुभव होने लग जाएगा तो उसको सचमुच आस्वाद प्राप्त होगा इसके इलम जोश हुकोमा ये सब हम हेरें पाई अन्यामत परम परमधाम की संपत्तियों में प्रेम है ज्ञान जोश आदेश ये सब आपके कृपा से ही प्राप्त होने वाले संपदाएं हैं दिल के अंगों बिना हक के इत स्वाद लीजिए क्यों कर तो हमारे दिल के अंग आपके बिना स्वाद कैसे लेंगे आप होंगे दिल में अंग बैठेंगे तो ही तो आपका स्वाद ले सकेंगे देखे देखे सुने बोले बिना तो क्या अर्श नाम धराया धनी बिगर देखे सुने बोले बिना देखे सुने बोले तो उस उसके बिना तो आ, और आपकी उपस्थिति के बिना इस दिल को केवल नाम रखने से तो नहीं होगा ना अरस नाम धारा धनी बिगर तो धनी के बिना आपकी उपस्थिति नहीं होगी आपके बिना इसको कैसे परमधाम कह सकते हैं तो देखना सुनना इशारा ये आपके होने पर ही हो सकता है जो का सेजना आई या जो प्रियतम परमात्मा इस दिल रूपी सैयाह पर नहीं आते हैं देखिया सुना सुनिया न कही बात तो जब तक नहीं आते हैं, तब तक उनके विषय में ना देख सकते उनको देख सकते ना उनके विषय में सुन सकते हैं कह सकते सुख अंग न लियो इन सेज को ताए निष्फल गई जो रात तो जिन जो इस सैया का अनुभव नहीं कर सकती है धाम धनी को हृदय में नहीं बैठा सकती है ऐसी आत्मा के लिए तो ये अंधकारमय जगत ये रात्रि है तो ये खेल देख रहे हैं तो ये फेरा ये निष्फल हो जाएगा अरस तुम्हारा मुझे दिला माए अरस्य की सब विषात इसलिए आपका धाम तो मेरा हृदय है इसमें परम धाम की सारी संपत्ति विषात का अर्थ संपत्ति तो सारी सामग्री तो सारी सामग्री इसमें है आप जहाँ होंगे वहाँ सब कुछ हो जाएगा सब न्याया इनमें अरस बक्का हक जात सारी संपदा इसी में है और अरस बक्का हक जात अखंड धाम और तो ब्रह्मत्माए सब इसके अंदर ही विराजमान है पहले वर्णन करूँ शिर राखड़ी अब श्यामाजी के श्रृंगार का वर्णन करते हैं तो सबसे पहले उनके सिर में राखड़ी नाम का अलंकार है उसका वर्णन करते हैं पीछे वर्णन करो शव अंग फिर अन्य अंगों का वर्णन करते हैं अखंड श्रृंगार अर्शको को परमधाम का श्रृंगार है वो तो अखंड होता है मेरी रूह हमेशा संग मेरी आत्मा तो सदैव उनके साथ ही रहती है सिर पर बनी जो राखड़ी अब उसका वर्णन कर रहे हैं सिर में अभी तक का ये मंगलाचरण है अब उनके श्रृंगार का वर्णन करते हैं पहले सिर की राखड़ी से कर रहे हैं सिर पर बनी जो राखड़ी सिर में जो राखड़ी है किन विदकों शोभा है उसकी शोभा का क्या वर्णन करें तो राखड़ी क्या है तो वो फूल जैसे उसमें फिर अलग अलग प्रकार के उसका आगे आगे वर्णन आएगा बीच में हीरा है तो उसके चारों तरफ माणिक है उसके ऊपर में नील नीलमढ़ी है इस तरह का ऐसा वो फूल जैसा तो पीछे तक उसकी दूरी है पीछे तक पहुंची होती है तो पीछे बांध करके फिर ऊपर ऐसे लटकाते हैं तो उसको राखड़ी कहा है तो इसकी क्या शोभा इसकी शोभा का क्या वर्णन करें आसमान जिमी के बीच में एक ही जो तखड़ी खड़ी ले आसमान और जिम भूमि में ऐसा लगता है कि केवल प्रकाश निकलता है तो इसी से निकल रहा हो ऐसा लगता है तो कहने का तात्पर्य इसमें इससे प्रकाश ही प्रकाश निकलता है तो वो काफ़ी महत्वपूर्ण है गृदवाए मानिक बने बीच हीरे की जोत तो राखड़ी में क्या है बीच में हीरा है और चारों तरफ मानिक क्या है किनार ऊपर जो नीलवी और उसके तीसरी लाइन तो वो किनार है वो नीलमणि की है हुई जिमी तो वो तो भूमि से लेकर के आकाश तक उसकी चमक फैली हुई है भी, शिरकांगरी और शिरकांगरी भी शिर कांगरी पान शेथे भी सिरक आंगरी वो मांग भी किस तरह से शेर में वो कांगरी वो, कांगरी हो ना उस प्रकार से उसके वो उसकी भी बड़ी सुंदर डिजाइन है और शिर कांगरी पान और शिर में जो पान है दोनों ऐसे इधर पटली है तो उसमें भी वो उसमें पान जैसे आकार का तो वो भी आभूषण होता है तो उसमें भी कांगरी है इन शिर शोभा क्यों कहूँ अलेखे अमान तो इस प्रकार शिर की शोभा का क्या वर्णन करें उसका तो लेखा जोखा ही नहीं होता है और अमान उसको मापा भी नहीं जा सकता माए हारे खजूरें बूटियाँ तो बीच में तो खजूरे ख, वो खजूरा क्या है कि ऐसे 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 करके तो ऐसे ऐसे उसमें जैसे खजूर खजूरा खजूर वो, वो होता है ना कीड़ा तो उसके पैर ऐसे होते हैं तो उस तरह से तो ये क्या उसको बोलेंगे कुछ निशान ये इसमें टोपी में भी है तो ये जो स्प्रिंग है वो ऐसे ऐसे जुड़ करके उसमें मिल करके बना होता है उसको खजूरा बोलते हैं ऐसे आभूषण को माए हारे खजूरे बूटियाँ उसमें बूटियाँ हैं दूसरे खजूरे हैं ऐसे उनकी हार हैं बीच फूल है जो होता बीच में फूल है तो उसकी ज्योति उसकी ज्योति बहुत ज़्यादा है जुदे जुदे रंगों जबेरा अलग अलग रंग के रत्न हैं ठौर ठौर रोशनी होता है उससे सर्वत्र प्रकाश होता है अलग अलग स्थानों में मतलब उससे प्रकाश ही प्रकाश निकलता है ये कहने का तात्पर्य है लाल सेंथे ज्योत जवेर की दोए पटले समारी सिर तो लाल सेंथा है उसमें सभी हीरे की जैसी ज्योति निकलती है तो वो मांग है लाल है तो मानो वो वो क्या है कि हीरे के कण ही वो उस तरह से मांग की तरह से लगाए हुए हैं ऐसा लगता है तो उसमें से ज्योति निकलती है दो ए पटली समारी शेर तो शेर में दोनों तरफ उसमें मांग के दोनों तरफ पटली है वो सुंदर बनी है बनी नगन की कांगरी उसमें अलग अलग प्रकार के रत्नों की कांगरी है बल बल जाऊं फेर फेरा तो उसमें बार बार उसको देखते रहते हैं तो तो देखते ही रहें ऐसा लगता है उसके प्रति समर्पित होते हैं नीलवट पर सर मोती ने की ललाट पर मोती की लड़ियाँ लटकी हुई है तो ऐसे लड़ियाँ ऐसे सीधी वो भी होती है और इस प्रकार की वो तीन ऐसे सर है तो वो तो यहाँ पर लगाई हुई है तो उसके लिए वो बता रहे हैं तो वो मोती की सर है ऊपर नील भी बीच मानी का तीन सर हैं तो तीन ऐसी लड़ियाँ हैं तो नीचे के मोती के बीच में माने का है और ऊपर नीलमड़ी है दो तरफ तीनों हैं तो तीनों शर है वो मांग से दोनों तरफ फैले हुए हैं तीनों बराबर माफा का तो वो मांग से तीनों एक ही लंबाई तक पहुंचे हैं वो दोनों तरफ एक जैसे हैं इन तीनों तीनों पर कांगरी बनी से थे बराबर इन तीनों के ऊपर भी कांगरी जैसी बनी हुई है कि जो मांग के साथ में आ, उस उ, उसकी शोभा दिखाई देती है पान कटाव से थे पर और मांग पर वो पान भी है उसमें भी कटाव कटाव का मतलब वो कार्विंग करके बनाया हुआ इस प्रकार का वो पान है, है। वो आभूषण ये है ये जुगत कहूँ क्यों करो उस वो कितने सुंदर तरीके से बना उसका क्या वर्णन करें उसकी शोभा ये विशिष्ट प्रकार की है मानिक मोती नील भी हेम हीरा पुखराज तो उसमें मानिक मोती नील नीलमणि हेम हीरा पुखराज इस प्रकार के अलग अलग रत्न जड़े हुए हैं इन मुख शोभा क्यों कहो शिरा खूभी रही विराज ये राखड़ी है ये राखड़ी के लिए वर्णन कर रहे हैं इसमें इसका वर्णन क्या करें इसमें तो सारे रत्न आ जाते हैं बीच फूल कड़ाव कटाव कई राखड़ी के गिरदब तो उस राखड़ी के बीच में क्या है कि बीच में फूल जैसा लगता है उसके चारों तरफ फिर अलग अलग रत्न ऐसे हैं ए जुगत बनी मूल बेनी तो ये युक्ति ऐसे आगे बढ़ती बढ़ती मूल बेनी तक पहुँची है आ, ए जुगत बनी मूल बेनी लग बेनी तक इसकी ऐसी शोभा है गूथी नंग मोती बेन बनाए तो इस प्रकार इसको गूथा है अलग अलग प्रकार के मोती और रत्न से तो मानो आगे जाकर के वो वेड़ी है वेणी वो चोठों को बोल रहे हैं तो वो उसी तरह से तो उसको उस तरह से बनाया है तीन नंग, रंग गोफने तीन, तीन रंग के रत्न वो गोफने गोफने क्या है कि आ, वो केश को वो करने के लिए ना तो केश की वो चोटी बनाने के लिए तो जैसे कई लोग धागे का इस्तेमाल करते हैं तो उस प्रकार का ये उसको गोफन बोलते हैं तो ये वैसे साधारण धागा नहीं उसमें तो सारे रत्न के ही वायर उस, उस तरह से लगे हुए हैं वो एकदम कोमल है तीन तीन रंग के हैं क्योंकि तीन वो चोटली में वो तीन ऐसे वो होते हैं ना तो उसको ऐसे मुड़ मुड़ करके बनाते हैं तीन एक है, एक है में तीन रंग उनमें एक एक में तीन तीन रंग हैं हीरा मानिक नीलवी उसमें हीरे का भी रंग दिखाई देता है मानिक का भी और नीलमणि का भी शोभित है कंचन संगा तो वो सोने के साथ में सारे रंग सुशोभित हैं तीनों गोफन है तीनों तीन उसमें गोफन में तो वो घूंगरी बांधी है बेनी गुथी नहीं जुगत इस प्रकार वो बेनी कहीं नए तरीके से गुथी हुई है वो चोटी बाला बल जाऊँ देख देख के रोए होए नहीं त्रपत तो देख देख करके आत्मा को कभी तृप्त नहीं होती है और उसी को देखते रहे उसी में समर्पित होते रहे ऐसा आत्मा सोचती है चारों बंद बेनी तले नीले पीले शोभित बेनी के नीचे चार ऐसे बंद तो उसको बांधते हैं तो वो बंध है तो वो चार ऐसे बांधे हुए सुशोभित होते हैं उसमें नीला पीला रंग है ऐसे रत्न है शोभे नरम बंद चोली के फिर तो बेनी के नीचे ना वो चार बंद ये ये चोली के बंद हैं चार बंद हैं तो वो उसमें भी अलग अलग रंग है नीले पीले ऐसे शोभे नरम बंद चोली के खूबी साड़ी तले देखत तो ये सब अंदर हैं और बाहर से साड़ी ऐसे उड़ी हुई है तो पीछे से ये दिखता है तो बड़ी सुंदर शोभा दिखाई देती है बेन शोभित गौर पीठ पर वेणी है वो चोटी है वो आ, ये गौर पीठ पर बड़ी शोभा देती है चोली और बंद चोली के चोली और चोली के बंद तो उसकी शोभा भी विशिष्ट प्रकार की है सब देत देखाई साड़ी मीने इन सब की शोभा साड़ी के अंदर से दिखाई देती है सब शोभा लेत तो सनंद ए, तो ये स... देख करके बड़ा आनंद आता है इस शोभा को लेकर के लाल साड़ी कई नकश माये अनेक रंग के नंग साड़ी लाल है उसमें भी विभिन्न प्रकार के नक्काशी चित्रकारी है अनेक प्रकार के रंग रत्नों के अनेक रंग के रत्नों की चित्रकारी है मी नकश न होवे गिनती इतनी बारीक चित्रकारी है जिसका वर्णन नहीं हो सकता करे जवे रमा जंगा तो अलग अलग प्रकार के रत्न हैं तो वो उनसे प्रकाश निकलता है तो वो प्रकाश परस्पर द्वंद करता है ऐसा लगता है सिर पर साड़ी शोभित नीली पीली शेत किनारा सिर पर ये साड़ी पूरी शोभित है पूरा सिर पर ना ऐसे इस तरह से तो वो ढकी हुई होती है तो, तो वो बड़ी सुंदर वैसे तो उससे भी कभी इस तरह से होती है कभी आगे तक घूंघट ले लेती है अब तो वो तो श्यामा जी की मर्जी है तो साड़ी में साड़ी के किनार है उसमें भी नीले पीले सफेद उसके कांगरी है तीन पर सोहे कांगरी उनमें वो कांगरी है करे पांच नंग झलकार अलग अलग प्रकार के पांच रत्न है वो उसकी चमक उसमें से निकलती है साड़ी कोरक किनार पर साड़ी के किनार पर तो वो किनार पर जो कोरा उस, उस, उस कोरा बोलते हैं उसके किनार ही तो ये किनारे पर के, किस किस प्रकार से नंग कांगरी शोभिता ये कांगरी है अलग अलग रत्नों की जैसी लगती है रत्नों की है फूल बेल कई खजूरें उसमें कई प्रकार के फूल हैं तो क्योंकि तो उसमें क्या है कि पहले तो ये किनार पर न वो ऐसी वो पूरी पट्टी जैसी वो होती है उसके ऊपर में फिर वो कांगरी होती है तो वो बड़ी विशिष्ट प्रकार की है तो उसमें फूल बेल खजूरे ये सब है छेड़ों में झलक वो किनार तक वो सब उसमें से चमक निकलती है कई छापे बुटी नक्स नंग साड़ी बीच अपार कई प्रकार के छापे हैं बूटी हैं तो ऐसे इस प्रकार के नक्काशी हैं ऐसे साड़ी में विभिन्न प्रकार के रत्न है जिनका पारावार नहीं है कई नंग रंग झलके के बीच में कई प्रकार के रंग के रत्न बीच बीच में चमकते रहते हैं शोभा न आवे माये सुमार है इस प्रकार साड़ी की शोभा सुमार में नहीं आती है का तात्पर्य उसको शब्दों के द्वारा व्यक्त नहीं किया जा सकता उसका पारावार नहीं तो चलो अभी के प्रश्न को यही रखते श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय शोभा नावे शोभा न आवे माहे सुमार कई छापे बुटी छापे ंग रंग झलके बीच में कई नंग रंग झलके बीच में आवे मे सुमार शोभा ने